दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा जारी जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर अभियान नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के करोल बाग विधानसभा में पहुंचा और यहां पर नुक्कड़ सभा आयोजित कर लोगों को जागरूक किया और अपने पक्ष में समर्थन भी मांगा। आपको बता दें कि 6 लोकसभा क्षेत्र में पार्टी का अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। मंगलवार को करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की मुख्य मार्केट में पार्टी की टीम द्वारा नुक्कड़ सभा कर लोगों से संपर्क साधा और जाति उन्मूलन कानून की मांग पर अपने पक्ष में समर्थन मांगा। आपको बता दें कि लोग पार्टी के इस अभियान को काफी अच्छा और सकारात्मक बता रहे हैं। लोगों का भी ये मानना था कि जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए और जाति उन्मूलन कानून को सही बताया। मौके पर मौजूद टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने ग्राउंड पर जब लोगों से जाति उन्मूलन की मांग को लेकर उनकी राय जानने का प्रयास किया तो लोग दिल खोलकर पार्टी की इस मुहिम का समर्थन करते दिखे। आइए देखते हैं लोगों का जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर क्या कहना था, जाति व्यवस्था के बारे में लोग क्या सोचते हैं, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आज हम आए हुए हैं नई दिल्ली लोकसभा के क्षेत्र करोल बाग विधानसभा में और यहां पर आपकी अपनी पार्टी पीपल की टीम भी आई हुई है। जैसे कि इनका जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर जो है पिछले कई विधानसभा में जो अपना अभियान चलाकर आज यहां पे पहुंचे हुए हैं और यहां पर लोगों को जो है कि जागरूक कर रहे हैं कि वो जातपात जो है कि समाप्त होनी चाहिए और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भी कानून इस पे बन जाना चाहिए। हमने इस बारे में जो है कुछ लोगों से बात करी है, अरे जानते हैं जिन लोगों से हमने बात करी है उन्होंने अपने विचार में क्या कहा। मेरा नाम दीपेश है। दीपेश भैया, आपकी अपनी पार्टी के हैं, चार ये है कि जातियां समाप्त हो जाए और देश में कानून बन जाए इसके लिए। हाँ सही बात है, जातियां समाप्त होनी चाहिए सारी। एक जब कोई कानून बनेगा तभी सही है, नहीं तो ऐसे लोग दंगे फसादी करते रहेंगे, जाति के ऊपर लड़ाई चलती रहेगी और ऐसी जो जनरल उनको वो नहीं मिल पाता, ज्यादा नौकरियों में भी नहीं मिल पाता आरक्षण, तो जाति ये खत्म करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से जो है कि मांग इनकी जाइए पार्टी की जाए जाए, तो इस पे कानून बनना चाहिए। जी बनना चाहिए जरूर। आपका नाम क्या भैया? कृष्ण कपूर। कृष्ण कपूर भैया, आपकी अपनी पार्टी जो है ना सरकार से मांग कर रही है कि भाई जात पात समाप्त कर दो, इस पे कानून बना दो, तो इसके लिए अभियान चला रही है। क्या लग रहा है इनके अभियान को, कैसे देखते हैं आप? जी ये तो अच्छा अभियान है, अगर जाति पात खत्म हो तो इस वेरी गुड उन सभी के लिए, तो इंसान की जात क्या होती है। तो आपसे बड़ी बात है क्या, जात पात समाप्त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि समाप्त होनी चाहिए? क्योंकि जात पात तो किस लिए बनाई है, ये तो उस टाइम बनाई गई थी। अब जाति इंसान की जात क्या है, तो इंसानियत है, इंसान की तो कोई जाति ही नहीं होनी चाहिए ना। तो जाति को लग रहा है कि आपके अपनी पार्टी की जो पीपल की मांग जाए थी। बिल्कुल, तो आप इनका समर्थन करते हैं? करते हैं समर्थन, अगर ये तो अच्छी बात है अगर जात समाप्त होती है तो। सर मेरा नाम है अक्षय शर्मा। अक्षय है ना, एक ना आपकी अपनी पार्टी जो है आपके क्षेत्र में अभियान चला रही है। हाँ जी सर। तो वो कह रही है भी जात पात समाप्त कर दे, कानून बना दो, सही से मांग कर रही है, क्या लग रहा है? मांग तो जात सर कुछ नहीं है, एक्चुअली है कि सारी बात यह है कि सभी को एक जैसा होना चाहिए, कोई जात पात सब तो भेदभाव होना बेकार की बात है, ये सबको एक जैसा होना चाहिए, सब कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई कुछ नहीं है, सब एक जैसा भाई भाई हो जाएंगे तो और जनता प्रॉफिट में कोई दिक्कत वाली कोई अनुभावना होगी नहीं। सबसे ज्यादा यह है कि मैं देखो सभी भाइयों को एक तरीके से ही रहना चाहिए। तो आपके साथ जात पात समाप्त होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। तो लग रहा है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल की जो मांगे जायज है? हाँ जी बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। तो आप समर्थन करते हैं? हाँ जी सर। मेरा नाम है रहीम। रहीम भैया, एक ना आपकी अपनी पार्टी जो है आपके करोलबाग क्षेत्र में अभियान चला रही है। अच्छा। कह रही है कि जात पात समाप्त कर दो और कानून बना दो, सरकार से मांग कर दो, क्या लग रहा है मांग इनकी जायज है? ये तो गलत कर रहे हैं ना जी, जात पात हिंदू मुस्लिम ये सब तो लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। अभी बात यह है कि रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, लोग परेशान हैं, ये सब चीज़ के लिए तो कोई बोलेगा नहीं, बात लिया आएगा जात पात में राजनीतिक में, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। तो आपके हिसाब से पार्टी की मांग है जात पात को लेकर क्या लग रहा है, कैसी मांग है, ठीक है मांग नहीं? मेरे हिसाब से जो ना जात पात चाहे कोई सा भी पार्टी हो जाए, चाहे बीजेपी का हो जाए चाहे कांग्रेस का हो जाए चाहे कोई सा भी हो, मगर पार्टी के अंदर जात पात नहीं लाना चाहिए, जैसे हिंदू मुस्लिम है वैसे रहना चाहिए। तो जात पात खत्म होनी चाहिए? खत्म होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। हाँ भारत का जितना भी आदमी सबको नागरिकता है, सब एक साथ रहना है, सबको अपना अपना रोजी में काम धंधा करना है। मोहम्मद इस्तिया। मोहम्मद जी, ना आपकी अपनी पार्टी जो है जी सरकार से मांग कर रही है जात पात समाप्त करते हैं, कानून बना दिए, मांग इनकी ठीक है? सही है। अच्छा, ये चीज खत्म होना चाहिए, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो। अच्छा क्यों लग रहा है खत्म होना चाहिए जात पात? क्योंकि ये अगर अब तक नहीं खत्म होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए जरूरी है।
ये खत्म होना चाहिए जो हमारा देश आगे बढ़े। तो क्या इस पर कानून बनना चाहिए कि जात पात को लेकर? नहीं, कानून बनना चाहिए। तो लग रहा है कि आपकी अपनी पार्टी की जो मांग जायज है? जायज है, पार्टी की जो मांग जायज है। ठीक, आप इनका समर्थन करते हैं इस मामले में? जी। मायसेल्फ राजा जी तावले। राजा तावले, लेकिन आपकी अपनी पार्टी चाह रही है कि भी जात पात खत्म हो जाए, इसके कानून बना दिया जाए, सरकार से मांग करती है, तो क्या लग रहा है मांग इनकी जायज है? बिल्कुल जायज है। आजकल हम देख रहे हैं, हम एमपी के अभी एक दतिया जिला है और एक दो और डिस्ट्रिक्ट में एक मतलब ट्राइबल जनजाति के व्यक्ति पर पेशाब करने का हुआ है और वो सीधी जिले का विधायक प्रतिनिधि था, तो उसके बाद ऐसा फील हो रहा है। और जो अभी हाल ही की घटना हुई मणिपुर में, जो कुकी जनजाति है और एक मेती जनजाति के बीच में विरोध, दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष हो रहा है, उसको देखकर ये हम मतलब 100% कह सकते हैं कि ट्राइबल जनजाति या एस सी एस टी कम्युनिटी आप खतरे में, और उसके लिए कठोर से कठोर कानून की आवश्यकता है। तो आपने बात करी मध्य प्रदेश वाली, तो भाजपा तो कहती है कि हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं चाहिए, एमएलए कोई ऐसा नहीं था। नहीं सर, आप अखबार उठा के देख लीजिए, दैनिक भास्कर उठा के देख लीजिए, जनसत्ता उठा के देख लीजिए, वो उनका बस बचने का एक चारा है। हर पार्टी अपने प्रतिनिधि को, जैसे ही वो प्रतिनिधि कभी किसी चीज में फंस जाता है तो वो कह देते कि वो उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये हर एक पार्टी करती है। तो आपके साथ जातपात समाप्त होनी चाहिए? जरूर होना चाहिए सर। आप जो आपके अपनी पार्टी पीपल का समर्थन करते हैं? यस सर, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी एक ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है या जाति प्रथा को दूर करने के लिए काम कर रही है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम सुधांशु प्रियदर्शी है। सुधांशु जी, एक ना आपकी अपनी पार्टी जो है करोलमा क्षेत्र में आई ना अभियान चला रही है कि जात पात समाप्त हो जाए, इस पर कानून बनाया जाए, सरकार से मांग कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जात पात तो एक बैकवर्डनेस है, इस पर समय लगेगा, लेकिन आप लोग का एक उद्देश्य सही है कि जात पात खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जात पात में फिर कोई भी काम करने में, फिर जैसे अभी जो साइकोलॉजिकल है कि फॉरवर्ड लोग छोटा काम नहीं करते, वो मैक्सिमम गार्ड बन पाते हैं, गार्ड से नीचे काम नहीं कर पाते हैं, फिर हमारा लेबर फोर्स कहाँ से जनरेट हो पाएगा? लेबर फोर्स हमारा जो इंडियन का सिस्टम है, लेबर फोर्स कहाँ से काम हो पाएगा? उसीलिए अगर बैलेंसिंग हम लोग रखें, कास्ट प्लस इकोनॉमी दोनों को रखें, तो हमारा सिस्टम मुझे लगता है कि बैलेंसिंग मैनर पे चलना चाहिए, कास्ट भी और इकोनॉमी दोनों को कंबाइन करके, जो भी हमारा सिस्टम है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर अभी 10% मिला जनरल में, तो बैलेंसिंग दोनों को लेके चलें तो ज़्यादा, मेरा आइडिया है कि अच्छा रहेगा देश के लिए और भविष्य के लिए। अभी समय नहीं है, अभी और हमें डेवलपमेंट करने दीजिए, 10-20 साल बाद अगर हम लोग सोचे कि कास्ट पूरा हट खत्म हो जाए, सिर्फ इकोनॉमी और सिर्फ फिर कास्ट न रहे, तो अभी समय अभी है, बाकी 30 साल बाद 40 साल बाद आपका जो सोच है वो ऐसा आने वाला है, आपका सोच जरूर सफल होगा। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि जातपात अभी समाप्त? अभी नहीं, अभी समाप्त होना भी नहीं चाहिए और अभी समाप्त किया भी नहीं जा सकता। मेरा नाम कृष्ण चंद्र मिश्रा है। आपकी अपनी पार्टी जो है सरकार से मांग कर रही है जातपात समाप्त कर रही, कानून बना रहे, तो क्या लग रहा है मांग इनकी जायज है? हाँ, देश से जो है जातपात का नाम पे अगर ये जातपात हट रही है तो एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, होना चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों होना चाहिए जातपात? मतलब एक जो सामाजिक द्वेष है, एक दूसरे में जाति में लड़ाई है, एक दूसरे जाति पर जो है कोई इस जाति को दोष देता है, कोई उस जाति को दोष देता है, कोई मतलब बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, जो अगर ये खत्म हो जाए तो देश जो है एक सही रास्ते पे जा सकता है। तो आपके साथ जातियां समाप्त हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ जी। तो लग रहा है आपकी अपनी पार्टी की मांग जाएगी? ठीक है जी। तो हाँ जी, समर्थन करती हूँ। जी जी जी।